महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है कि सूबे में सियासी तापमान बढ़ने लग गया। विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। यहां पर वो दो दिन राज्य के सियासी नब्ज को टटोलेंगे और इससे पहले वो हाल ही में गणेशोत्सव के दौरान मुंबई के दौरे पर आए। आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शाह नागपुर, नासिक, कोल्हापुर और छत्रपति संभाजीनगर में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आपको यहां बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सियासी रणनीति बनाने के लिए बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। नवंबर या दिसंबर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने की संभावनाएं जाहिर की जा रही है। कल अमित शाह बीजेपी की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए नासिक और कोल्हापुर में रहने वाले हैं। आज अमित शाह ने नागपुर पहुंचकर के विदर्भ की सभी 62 विधानसभा सीटों के पदाधिकारियों से बातचीत की है। बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी शामिल रहे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाला है। जानकारी यह है कि करीब 10 अक्टूबर से चुनाव की घोषणा हो जाएगी। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी और महायुति पूरी तरह से यह आश्वस्त हो जाना चाहती है कि आने वाले समय में सीट शेयरिंग को लेकर किस तरह का फार्मूला होगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में रहने वाली है। जहां भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 140 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि उनका सहयोगी दल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 80 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं उनका सहयोगी दल और एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार 60 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अमित शाह यह खंगालना चाहते हैं, अमित शाह यह राजनीतिक गलियारों में झांक कर यह देखना चाहते हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की स्थिति महाराष्ट्र में क्या कुछ है। यही वजह है कि आज महाराष्ट्र की नागपुर में अमित शाह का दौरा हो रहा है और अमित शाह इस दौरान नागपुर और संभाजीनगर की सभाओं में शिरकत करेंगे और कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। वहीं कल अमित शाह कोल्हापुर और नासिक में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद यह निष्कर्ष पे आएंगे कि आखिरकार महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का जो प्लान है वो किस तरह का होगा, क्योंकि लगातार यह अटकलें लगाई जा रही है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है, जिसका निवारण करने के लिए अमित शाह महाराष्ट्र का दौरा कर रहा है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ सोनी भाई 24 मुंबई। पीएम मोदी भी पिछले एक महीने में 3 बार महाराष्ट्र का दौरा कर चुके हैं। आखिर विदर्भ क्यों जरूरी है, चुनाव की रणनीति से पहले आपको ये समझाते हैं। सत्ताधारी गठबंधन, महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी में शामिल दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर के खींचतान चल रही है, तो एक लड़ाई लोकसभा चुनाव के नैरेटिव को आगे बढ़ाने और काटने की भी हो रही है। नैरेटिव की इस लड़ाई का अखाड़ा बन गया है विदर्भ। महाविकास अघाड़ी, जहां पर विदर्भ में लोकसभा चुनाव नतीजों का ट्रेंड आगे लेकर जाने की कोशिश में है, तो वही महायुति ने भी इस रीजन में अब अपने सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री शाह को कमान सौंप दी। पीएम मोदी के बाद गृहमंत्री शाह के विदर्भ दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। विदर्भ रीजन में बीजेपी के एक के बाद एक दो शीर्ष नेताओं के दौरे और पार्टी की सक्रियता ने विपक्षी गठबंधन के कान खड़े कर दिए। सवाल है कि पहले प्रधानमंत्री मोदी और फिर अमित शाह बीजेपी चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से पहले ही अपने बड़े नेताओं को विदर्भ में क्यों उतार रही है। बीजेपी के शीर्ष नेताओं के ताबड़तोड़ दौरों के पीछे लोकसभा चुनाव के ट्रेंड को भी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। विदर्भ रीजन में विधानसभा की दरअसल हैं 62 सीटें। बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन को 2019 के विधानसभा चुनाव में 42 सीटों पर जीत मिली। तब विपक्षी महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार 15 सीटों पर विजयी रहे, लेकिन विधानसभा के लिहाज से हालिया लोकसभा चुनाव के नतीजे अगर आप देखेंगे ना, तो बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन की लीड घट करके 22 विधानसभा सीटों तक रह गई। विपक्षी गठबंधन ने 35 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की और इसीलिए तो गृहमंत्री खुद अब मैदान संभाले बैठे हैं। महाराष्ट्र पहुंचते ही गृहमंत्री शाह बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के लिए सीटों को अंतिम रूप दे सकते हैं। केंद्रीय गृहमंत्री बीजेपी नेताओं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ समीक्षा बैठक कर सकते हैं। वो सीट बंटवारे पर बातचीत का जायजा लेने और जल्द से जल्द समाधान निकालने के लिए नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, नासिक और कोल्हापुर का दौरा करेंगे, क्योंकि बीजेपी दशहरा के आसपास अपने 60 से 70 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक है। महायुति को लेकर कहीं पे भी सीटों पे पेच नहीं फंसा हुआ है। तीनों पार्टियां आपकी सहमति के
आधार पे चुनाव लड़ेंगी। और गृह मंत्री जी अभी 2 दिन के दौरे पे हैं और निश्चित रूप से वह जनता का नब्ज जो है वह टटोलने के लिए ही आए हुए हैं और कार्यकर्ताओं से रायशुमारी के लिए आए हुए हैं। तो ये देखने वाली बात है कि आगे कौन से पार्टी का कैंडिडेट कहाँ पे जीतने की संभावना प्रबल है, उसके आधार पे जो है सीटों की शेयरिंग की जाए। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के अब तक जो इनपुट सामने आया उसके मुताबिक बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में होगी। बीजेपी कम से कम 140 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। एनसीपी के अजित गुट को 60 के आसपास सीटें दी जा सकती है और इसी तरीके से शिवसेना शिंदे गुट 80 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो वहीं शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि चाहे अमित शाह दौरा कर ले या फिर मोदी जी दौरा करें, इस बार महाराष्ट्र की जनता इनको बाहर भेजने की तैयारी में है। तीनों पार्टियों में जो कलेश चल रहा है वो तो जग जाहिर है, पर पार्टी के अंदरूनी कलह भी जो भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा है, जिसकी वजह से आज अमित शाह को आना पड़ रहा है, वो स्पष्ट हो रहा है। इनकी जो 4 दिन की चांदनी और फिर अमावस की रात शुरू होने वाली है उसका ब्यौरा लेने आ रहे हैं कि कितनी शर्मनाक इनकी हार हुई थी लोकसभा चुनाव में। अब असेंबली इलेक्शन में जैसे मैंने कहा था, ट्रेलर तब दिखाया गया था, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है। वही शिवसेना यूबीटी के राष्ट्र प्रवक्ता ने बताया है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को 48 सीट में से सिर्फ 17 सीटों पर जीत मिली है, तभी से बीजेपी बेचैन है। अब विधानसभा में भी मुंबई महाराष्ट्र की जनता जवाब देने को तैयार है। देखिए, जब से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थकों की करारी हार हुई है, 48 में से केवल 17 सीटें वो जीते हैं, तभी से भारतीय जनता पार्टी बेचैन है और बौखलाहट में है। नरेंद्र मोदी जी कुछ दिन पहले वर्धा में आए थे, अमित शाह जी का दौरे पर दौरा हो रहा है विदर्भ मराठवाड़ा में, क्योंकि विदर्भ और मराठवाड़ा में वहां के किसानों ने, नौजवानों ने, माताओं बहनों ने वर्तमान की महायुति सरकार को पूरी तरह नकार दिया है। कुछ भी दौरा कर लो, इस बार आपको विदाई तय है। आपकी लाडली विदाई योजना ये महाविकास लेकर आ रही है, आपकी विदाई तय है। सभा चुनाव में किसी भी मोर्चे पर कोई ढील नहीं छोड़ना चाहती है और शायद यही वजह है कि पार्टी एक तरफ जहां पहले प्रधानमंत्री मोदी को मैदान में उतारकर जनता के बीच माहौल बनाने की कोशिश में जुट गई, तो वही दूसरी तरफ अमित शाह जैसे कुशल संगठनकर्ता और रणनीतिकार को मोर्चे पर लाकर के संगठन के पेच कसने में भी लगी हुई है। इस रीजन में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता आया है और इसी को देखते हुए गृह मंत्री शाह ने मैदान संभाल लिया और लगातार बैठक का दौर जारी है। कल गृह मंत्री अमित शाह नासिक और कोल्हापुर में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ चुनावी योजना को लेकर के बैठक करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज राजस्थान में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सवाई माधोपुर में कवच 4.0 का सफल ट्रायल उन्होंने किया। राजस्थान में सवाई माधोपुर से कोटा के बीच 108 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक अब कवच से लैस होगा। भारतीय रेलवे ने यहां पर कवच 4.0 को स्थापित किया है। ये एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, यानी कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव निरीक्षण के लिए सवाई माधोपुर से सुमेरगंज मंडी तक 36 किलोमीटर ट्रेन के लोको में सफर किया। कवच लेस प्रणाली क्या है ये भी आपको समझाते हैं और ये काम कैसे करता है। दरअसल कवच लेस प्रणाली से रेल हादसों में कैसे कमी आएगी ये भी आपको समझाते हैं। क्या है कवच प्रणाली? दरअसल ये पूरी तरीके से भारत में बनी हुई सुरक्षा एक प्रणाली है। ये एक डिवाइस है जो कि ट्रेन के इंजन के अलावा रेलवे के रूट पर भी लगाई जाती है। दो ट्रेनों की टक्कर को रोकने का ये काम करता है, रफ्तार को नियंत्रित करता है, सिग्नल पासिंग और डेंजर स्थिति को रोकता है, आमने सामने पीछे से और साइड से टकराव की स्थिति का पता लगा करके उसे रोक देता है। आमने सामने आने से पहले 3 किलोमीटर पहले तक ट्रेन जो है वो रुक जाएगी। लोको पायलट को सिग्नल प्रदान करता है जिससे कोहरे में ट्रेन संचालन संभव होता है। ऐसे में ये रफ्तार कंट्रोल भी करता है। ट्रेन की जो अनुमत रफ्तार है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटे से 2 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है तो कवच अलार्म बजाएगा। ट्रेन की गति अनुमत सीमा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो सामान्य ब्रेकिंग होगी। इससे ट्रेन की रफ्तार कम होगी। ट्रेन की गति अनुमत सीमा से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है जो पूरे ब्रेक जब लग जाए। ट्रेन की गति जो है वो अनुमत सीमा से 9 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो आपातकालीन ब्रेक लगेंगे। ऑप्टिकल फाइबर केबल यहां बिछाई गई है। कवच 4.0 के लिए रेलवे ने 130 टावर की स्थापना भी की। इसके लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई और इस ट्रैक पर 78 कवच भवन का निर्माण हुआ। यहां पर 178 सिग्नल इंटरफेस और एक SPLS नेटवर्क का निर्माण किया गया है। भारतीय रेलवे ने बताया है कि कैसे ये काम करता है। स्टेशन पर लगी हुई इंटरलॉकिंग से
अगले सिग्नल को पढ़ करके उसके सीधे इंजन में प्रदर्शित करता है। इससे चालक 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर भी सिग्नल पढ़ सकता है। चालक पर निगरानी ये रखता है अच्छे से। कवच लगातार आदर्श ड्राइविंग प्रोफाइल और ब्रेकिंग की गहनता करता है और इसकी गणना करता है। जब तक चालक दल इस आदर्श ड्राइविंग प्रोफाइल के अनुरूप ट्रेन संचालित करते हैं तब तक कवच कुछ नहीं करता। जैसे ही चालक दल से कुछ भूल होती है ट्रेन आदर्श संचालन की सीमाओं से बाहर जाता है। कवच ऑटोमेटिक ब्रेक से ट्रेन को सुरक्षित दूरी पर रोक लेता है। मोदी सरकार में यात्री ट्रेनों पर पहला फील्ड ट्रायल फरवरी 2016 में शुरू हुआ। 2018 से 19 में कवच के लिए 3 फर्मों को मंजूरी दी गई। जुलाई 2020 में कवच को रश प्रणाली के रूप में अपनाया गया। कवच को अब तक दक्षिण मध्य रेलवे पर 1465 किलोमीटर रूट और 139 इंजन्स पर तैनात किया गया है। कवच सिस्टम पर इंटरलॉकिंग लगाई गई है। कवच सिस्टम पर इंटरलॉकिंग जो है एक तरीके से लगाई गई है जिससे अगले सिग्नल को पढ़ करके उसके एस्पेक्ट को रेडियो तरंगों के माध्यम से सीधे इंजन में प्रदर्शित कर देगा, जिससे 160 किलोमीटर की रफ्तार में पायलट को सिग्नल पढ़ने में सुविधा होगी। उसे लाइन पर लगे सिग्नल पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। यदि लोको पायलट ट्रेन संचालन में कोई गलती करता है या फिर भूल होती है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट करेगा और आपात स्थिति में ब्रेक लगाएगा। हमारे सहयोगी केशव झा ने अश्विनी वैष्णव से बातचीत की है, आपको ये सुननी चाहिए। इस वक्त मैं लोको पायलट के उसी केबिन में मौजूद हूँ जहाँ पर खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद थे और कवच 4.0 का आज सफल ट्रायल रन किया गया है। सर आप मौजूद थे, किस तरह का अनुभव रहा आज कवच 4.0 का? कवच 4.0 इंस्टॉलेशन चल रहा है और सवाई माधोपुर से कोटा के बीच में इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हुआ और इसके ट्रायल टेस्ट कमिश्निंग सब हो गई है। तो आज मैं इंस्पेक्शन के लिए आया था। बहुत अच्छा इंस्टॉलेशन है, बहुत अच्छा इसका प्रभाव है। देख कई दूर कई किलोमीटर पहले का सिग्नल ड्राइवर के डिस्प्ले पे, ये डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले पे पहले ही दिखाई दे जाता है। कितनी स्पीड तक गाड़ी चला सकता है व्यक्ति, वो भी इसमें क्लियरली आ जाता है। कितनी दूरी तक गाड़ी जा सकती है, मूवमेंट अथॉरिटी, कितनी मूवमेंट अथॉरिटी है वो पहले आ जाती है। बाई चांस अगर ड्राइवर साहब ब्रेक ना लगा पाएँ, स्पीड कम ना कर पाएँ, तो कवच ऑटोमेटिकली उसको सेफ स्पीड में ले आता है। क्या इस तरह का सिस्टम पहले देश में मौजूद था? ये कवच भारत में पहली बार लगा है और बहुत ही अच्छी सुविधा है। मैं ड्राइवर साहब से, आप ड्राइवर साहब का इंटरव्यू लीजिए, उनको उनको पूछिए उनके जीवन में कैसा परिवर्तन है इससे। मंत्री जी के साथ चला रहे थे, किस तरह का अनुभव रहा आपका? सर हमें इस कवच सिस्टम से बहुत अच्छा लगा। हमें कवच सिस्टम के पॉइंट ऑफ ड्राइवर के नज़रिए से सोचे तो चूँकि हमें काफ़ी दूर तक के सिग्नलों की लोकेशन और उनके एस्पेक्ट भाई लाल है, हरा है, पीला है, वो मालूम पड़ जाता है, तो गाड़ी के संचालन में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा भविष्य में लाभदायक होने वाला है। और जैसे सर ने बताया कि किसी कारणवश यदि स्पीड ज़्यादा होती तो कवच अपने आप कंट्रोल करेगा। और कितनी अभी इंस्टॉल हो चुका है कवच 4.0 और कितना बाकी? कवच 4.0 अप्रूव हुआ है 16 जुलाई 2024 को RDSO ने अप्रूव किया है। ये 2016 में काम चालू हुआ था डेवलपमेंट का। 16, 19, 22 और 24 बड़े लैंडमार्क्स हैं इसमें, जिसमें जितने प्रकार की देश भर में परिस्थितियाँ उन सबको इसमें कवर कर लिया गया है। और अब मिशन मोड में कवच 4.0 अपना एक तरीके से फाइनल कवच है। बिफोर वी गो टू 4.0 के आगे अब हम मिशन मोड पे कवच 4.0 को देश भर में लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कैमरामैन मोहित सिंह के साथ केशव कुमार झा, भारत 24, राजस्थान।